हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अरिहंत की बुक का मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको तीन चैप्टर अरिहंत की बुक से करा दिया है कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, एवरेज यानी कि औसत और CISI मैंने कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग बॉर्डमॉस रूल को समझ लेते हैं। बॉर्डमॉस रूल क्या होता है, बॉर्डमॉस रूल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो बॉर्डमॉस रूल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करते हैं, बॉर्डमॉस रूल क्या होता है, बॉर्डमॉस रूल से संबंधित वो सारे डाउट्स जो अभी तक आपके मन में बने हुए हैं सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्लियर है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले बॉर्डमॉस रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है, सरली करण। ठीक है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बॉर्डमॉस रूल। बॉर्डमॉस रूल का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए BODMAS बॉर्डमॉस, तो बी फॉर हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ का मतलब का, डी फॉर डिविजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि यहाँ पर देखिएगा गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के सामने आपको कुछ इतने ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, और लार्ज ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक। इन कोष्टक के अभी आपको यहाँ पर सिंबल नहीं नजर आ रहे हैं, मैं आपको सिंबल भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें ब्रैकेट की यानी कि कोष्टक की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट दोस्त क्या होता है, बार ब्रैकेट किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे बना होता है। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है, छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक दोस्त ऐसे ही बनता है। क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, तो मझला कोष्टक आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लार्ज ब्रैकेट क्या होता है, इनकी बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक आप ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये सभी इसके सिंबल हैं। इतना क्लियर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है दोस्त गुणा। यहाँ पर जो भी चीजें मैं बना रहा हूँ ये इसका क्या है, सिंबल है। डी फॉर डिविजन यानी कि भाग, भाग को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा और गुणा का सिंबल ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, जोड़ प्लस ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, घटाओ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट, जो इस तरह से कुछ नजर आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटे कोष्टक को, उसके बाद आप मिडिल कोष्टक यानी मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लार्ज ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोष्टक नहीं दिया है तो ऑफ दिया होगा, तो उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया ही नहीं है और डायरेक्ट ऑफ दिया है, ऐड दिया है और सब्ट्रैक्ट दिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑफ दिया है तो सबसे पहले ऑफ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी संख्याएं आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाए। उम्मीद है दोस्त कि इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वहां हम लोग बॉर्डमॉस रूल को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नंबर फर्स्ट, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा दोस्त, क्योंकि बॉर्डमॉस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 25 यानी कि 25 गुणे 63 और भागे 7 प्लस 27 माइनस 2 का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 230, ऑप्शन नंबर बी 210, ऑप्शन नंबर सी 240
ऑप्शन नंबर डी 250। फटाफट आंसर बताएंगे भाई आप लोग। चले भाई इसके लिए देखिए दोस्त, हमको यहाँ पर बुक लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं बुक लिया हूँ तो बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये हो जाएगा 25 और गुणा कितना लिखा हुआ है 63 और भागे कितना 7 और प्लस कितना हो जाएगा 27, ठीक है दोस्त। और माइनस 2 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस रूल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्डमॉस में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ BODMAS, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो बी फॉर ब्रैकेट होता है, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। ओ फॉर ऑफ ये भी नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। यहाँ पर देखिएगा डिवाइड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, डिवाइड वाला। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 25 और गुणा कितना 63 और ये भागा है तो क्या करेंगे यहाँ पर बट्टे 7 और प्लस कितना हो जाएगा 27 और माइनस कितना 2, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने डिवाइड इस स्टेप में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 7 से करेंगे तो 7 नवा कितना हो जाएगा 63, ठीक है। डिवाइड के बाद क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 25 और गुणे कितना हो जाएगा 9 और प्लस कितना हो जाएगा 27 और माइनस कितना दोस्त 2। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 नवा कितना हो जाएगा दोस्त 225 हो जाएगा और प्लस कितना 27 और माइनस कितना दोस्त 2 बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे दोस्त, ऐड करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 7 5 कितना हो जाएगा 12 के 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 2 बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा 250। यही आपका क्या है दोस्त, फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको यहां से बोर्डमॉस रूल और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है 2 माइनस मझला ब्रेकेट 3 माइनस छोटा ब्रेकेट 4 माइनस 3 माइनस 2, ऊपर आपका बार ब्रेकेट लगा हुआ है यानी कि रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक बना हुआ है, उसके बाद मझला कोष्टक, का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 4। फटाफट आंसर बताएंगे भाई। लिखा हुआ है 2 माइनस, देखिए मझला ब्रेकेट 3 माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पर बार ब्रेकेट लगा हुआ है, फिर छोटा ब्रेकेट, उसके बाद क्या है मझला ब्रेकेट, ठीक है दोस्त। इसी में आपका मान पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया समझेंगे यहाँ पर। बी ओ डी, फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी ओ डी एम ए एस, बोर्डमॉस, ठीक है। बी फॉर होता है ब्रेकेट और ब्रेकेट में ही दोस्त सबसे पहले कौन सा आता है, बार ब्रेकेट। कौन सा, बार ब्रेकेट आता है, फिर कौन सा आता है, छोटा ब्रेकेट आता है, उसके बाद कौन सा आता है, मझला ब्रेकेट, और लास्ट में कौन सा ब्रेकेट आता है दोस्त, बिग ब्रेकेट यानी कि बड़ा वाला ब्रेकेट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकेट आ गया है तो ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रेकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रेकेट को, ठीक है। तो 2 ठीक है माइनस मझला ब्रेकेट, फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस छोटा ब्रेकेट 4 माइनस, देखिए 3 माइनस 2 करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 1 और फिर छोटा ब्रेकेट लगा देंगे और फिर क्या मझला ब्रेकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मझला ब्रेकेट माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा मझला ब्रेकेट। अब क्या करेंगे, मझले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 3 कितना होगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा ये 0 और बराबर कितना आ जाएगा 2। दिस इज क्या फाइनल आंसर, ठीक है। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो पा रहा है बोर्डमॉस रूल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा दोस्त, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मॉड लगा हुआ है, मॉड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, मॉड का मान
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 8। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्डमॉस रूल से आपको करना है, फटाफट आंसर बताएंगे भाई। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, मॉड 2 × 2 माइनस 3 × 2, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 4 × 2, फिर क्या लगा हुआ है मॉड, इसी का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है दोस्त। तो यहां पर देखिएगा, मैं फिर से बोर्डमॉस लिख देता हूं, BODMAS, ठीक है। बोर्डमॉस में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। ऑफ लगाते हैं, ऑफ का मतलब का, ठीक है, तो का भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। डिफॉल्ट डिवाइड होता है, यानी कि इसका मतलब होता है भाग करना, वो भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले 2 × 2 से कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना 4, और फिर माइनस 3 × 2 कितना होगा 6, और यहाँ पर देखिए 4 × 2 कितना हो जाएगा माइनस 8, क्लियर है। मॉड लगा देंगे, मॉड का मतलब होता है कोई चीज माइनस में लिखी है तो वो प्लस में हो जाएगी मॉड से निकलने के बाद, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस यानी कि ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ऐड। तो यहाँ पर देखिए प्लस 4 और माइनस क्या 6, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 8, मॉड लगा देंगे दोस्त, ठीक है। तो माइनस 2 और माइनस 8 बच रहा है, अब क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो देखिए दोनों नंबर के साथ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 10, मॉड के अंदर हो जाएगा, तो मॉड के बाहर निकालेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है दोस्त आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मजा आ रहा है ना, ठीक है। जिस भाई भाई ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, 5 माइनस मॉड माइनस 10 प्लस मॉड के अंदर 15 माइनस मॉड के अंदर माइनस 20 प्लस मॉड के अंदर 25 का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। फटाफट आंसर करेंगे भाई इसका। चलिए दोस्त, यहां पर मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस और माइनस 10 मॉड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 15 मॉड के अंदर और माइनस माइनस 20 मॉड के अंदर और क्या हो जाएगा प्लस मॉड के अंदर 25, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉड का खेल है, मॉड का मतलब होता है कोई नंबर अगर माइनस के साथ मॉड के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इट मींस क्या हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जैसे माइनस 10 लिखा है मॉड के अंदर, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए जैसे माइनस 20 लिखा गया है मॉड के अंदर, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है, समझ में आया ना कि मॉड का मतलब क्या होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5, सबसे पहले हम लोग मॉड हटा देते हैं, क्या करेंगे दोस्त मॉड को हटा दें, माइनस देखिए ये अंदर माइनस है, मॉड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 ही होगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। प्लस देखिए प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और देखिए यहाँ पर ये माइनस 20 लिखा हुआ है और आगे भी माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 20, माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और ये 25 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब बोर्डमॉस रूल अब यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पर आपको दो ही चीजें नजर आ रही हैं, प्लस और माइनस। तो बोर्डमॉस रूल क्या कहता है कि पहले हम लोग प्लस करेंगे, तो ध्यान दीजिए प्लस 5 और प्लस 15 और प्लस 25, तो कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 15 5 20 और 25 करेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। और देखिए माइनस 10, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे माइनस 10 और माइनस 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस रूल हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 45, देखिए माइनस 10 और माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 30 और बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 15, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे, मजा आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, आप बस कॉपी पेन लेकर एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको मैथ नहीं आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ आपको रिविजन कंपल्सरी है, मस्ट है, रिविजन करना मस्ट है, नहीं तो आपको क्या होगा, इधर से हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इधर से सफा होता जाएगा और फिर क्या करेंगे, फिर लगेगा यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, -13 प्लस ब्रैकेट के अंदर -6 भागे 2 प्लस -5 ब्रैकेट के अंदर है इंटू -4 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहां पर देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, -13 ठीक है प्लस -6 और भागे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस -5 ब्रैकेट के अंदर और इनटू -4, ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बॉड मॉस फिर से लिख देता हूं, BODMAS, ठीक है, बॉड मॉस रूल। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद क्या छोटा ब्रैकेट, उसके बाद कौन सा दोस्त मझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में कौन सा बड़ा ब्रैकेट। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, छोटा ब्रैकेट, यहां पर देखिए रेखा वाला ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यहां पर आपको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है तो वही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 और भागे क्या हो जाएगा भैया 2, और ये देखिए प्लस माइनस, यहां पर ध्यान दीजिए प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, 4 पंजे कितना 20 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना भाई। चलिए यहां पर देखिए, अब क्या सॉल्व करना है, ऑफ तो है नहीं तो ऑफ को क्या करेंगे छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड। तो यहां पर डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13 माइनस 13 और माइनस 6 बटा कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, ठीक है, तो माइनस 13 और माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे दोस्त छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर मल्टीप्लाई था लेकिन ब्रैकेट के साथ तो उसको हमने पहले कर लिया, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे ऐड, तो ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ऐड में देखिए यहां पर प्लस 20, ठीक है ना, प्लस 20 है तो ये 20 लिख दिया हमने। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस 3 और माइनस 13 कितना हो जाएगा -16 बराबर किसके आ जाएगा दोस्त 4। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है दोस्त फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यार देखो मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है दोस्त, और एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना आपका प्रैक्टिस से एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा दोस्त, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। देखिए लिखा हुआ है 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए -1 सही 17/18, ऑप्शन नंबर बी -17/18, ऑप्शन नंबर सी -11/18, ऑप्शन नंबर डी -13/18। फटाफट आंसर बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 1/3 भागे 2/3, ठीक है ना, प्लस 4/3
गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 का मान क्या होगा, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां पर फिर से मैं बॉड मास लिख देता हूं, BODMAS, ठीक है। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेंगे। इस बार देखिए यहां पर ऑफ आ गया है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब मैंने आप स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसको हम यहां पर करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे कितना, 5/3 माइनस 6/3। देखिए का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 7/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहां पर इसी को आपको सॉल्व करना है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड यहाँ पे भी दिया है, तो डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2 और ये प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 और ये कितना हो जाएगा, गुणे 5/3 और यहाँ पर देखिए माइनस 7 × कितना हो जाएगा, 14/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ भाई, देखिए यहाँ पर 3 × 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो कर लेंगे उसको, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 1/2, ठीक है, 1/2, फिर क्या कर लेंगे, 4 × 5 = 20, तो कितना हो जाएगा, 20/9, ठीक है, माइनस 14/ कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी का एलसीएम ले लीजिए और इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, क्यों भाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मॉस चल रहे हैं, तो हमें पहले ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा, 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 18, इतना क्लियर हुआ भाई। अब 2 से भाग देंगे 18 में, तो कितना हो जाएगा, 9, 9 × 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से इसमें भागेंगे तो 9 × 2 = 18 और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कितना हो जाएगा, और 20 × कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40। देखिए यहाँ पर 9 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 18, 2 और 2 से ऊपर वाले क्या करते हैं, गुणा, तो 20 × कितना हो जाएगा, 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14/3, ठीक है ना। इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 और बटे कितना, 18 और यहाँ पर देखिए माइनस 14/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट, तो ये ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम फिर से लीजिए, कितना आ जाएगा, 18 ही एलसीएम आएगा इसका, और 18 × 9 कितना हो जाएगा, 18 एक से 49 में गुणा करेंगे तो 49 आएगा, माइनस 3 × 6 = 18 होता है, 6 से इसमें गुणा करा दीजिए, 14 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 84, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 49 − 84 दिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, -35/18 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो कितना हो जाएगा, -1 सही, कितना हो जाएगा ये दोस्त, -1 सही, 17/18, यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये सिंपलीफिकेशन है, और सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटे से छोटा बनाना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा दोस्त, ध्यान से देखिए और आंसर बताइएगा। लिखा हुआ है 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 भागे 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 का सरलतम रूप क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी 6 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी 4 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी 6 सही 1/3, ठीक है। आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना, और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है,
अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, यानी कि आपको भिन्नों के बारे में अगर नहीं पता है, तो उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप उसे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले ये सब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न में बना हुआ है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में बनाएंगे। किसमें, इम्प्रॉपर में। तो चार पंजे कितना, 20 और एक कितना हो जाएगा 21 बट्टा कितना 4 प्लस 8 त्रिक 24 और एक कितना हो जाएगा 25 बट्टा कितना 8, ठीक है। और भागे, यहाँ पर देखिए 4 एकन्नम 4 और एक 5 बट्टा कितना हो जाएगा 4, और माइनस 4 एकन्नम 4 और एक 5 बट्टा कितना 4। इतना क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। अब आइए बोडमोस रूल यहाँ पर लगाते हैं। तो यहां पर फिर से मैं लिखूंगा बोडमोस, बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। यहां पर देखिए ना तो आपको ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा होगा तो कैंसिल करेंगे, ओ नहीं दिख रहा है तो कैंसिल करेंगे, फिर आपको क्या दिख रहा है डिवाइड, तो इसी को फॉलो कराएंगे यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा 21 बट्टा कितना 4 प्लस यहां पर देखिए 25 बट्टा कितना 8। देखिएगा यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब फ्रैक्शन वाला आपको डिवाइड करना हो दोस्त, तो जैसे मान लीजिए 1 बट्टा 2 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 1 बट्टा 4 लिखा हुआ है, तो इस नंबर को तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस यहां भी करना है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको यहां भी करना है। तो यहां पर डिवाइड है तो क्या कर लेंगे, यहां पर देखिएगा डिवाइड है ना तो क्या करेंगे पलट देंगे, कितना हो जाएगा 4 बट्टा 5 हो जाएगा, और माइनस कितना 5 बट्टा 4, ठीक है। तो देखिए 5 से काट दिए 25 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में समझिए, देखिए यहां पर 21 बट्टा 4 और प्लस कितना 5 बट्टा 2, ठीक है, और माइनस कितना 5 बट्टा 4, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये भी हो चुका है, यहां पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका और इसका क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए 4 एकन्नम 4 और 4 से भाग करेंगे 4 में कितना आ जाएगा 1, और 1 से 21 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 21, और प्लस देखिए 2 से 4, 2 से भाग करिए 4 को तो कितना आ जाएगा 2, और 2 पंजे कितना 10, ठीक है, तो कितना आ गया ये 10, ठीक है ना। और माइनस यहां पर 5 बट्टा कितना हो जाएगा 4। इतना क्लियर हुआ दोस्त, ये 20 यहां पर देखिए ये 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31 बट्टा कितना 4 और माइनस 5 बट्टा कितना 4, ठीक है। फ्रैक्शन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां से भी देख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आगे देखिए, जब नीचे वाला बराबर होता है, यानी कि जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, अगर जोड़ना हो तो जोड़ लेंगे, अगर घटाना है तो घटा लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए हम लोग जोड़ चुके हैं तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो 31 माइनस कितना हो जाएगा 5 और बटा कितना 4, ठीक है। तो देखिए यहां पर इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 31 माइनस 5 और बट्टा कितना आ गया आपके पास 4, तो 31 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 26 और बट्टा कितना 4, 2 से काट दिए तो कितना जाएगा 13 और ये कितना जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया दोस्त 13 बट्टा 2। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 सही 1 बट्टा क्या 2। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आ लोग टिक कर लेंगे, ठीक है ना। मजा आ रहा है भाई, ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, यार टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आप क्वेश्चन को करते रहिए और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए, इसका प्रॉपर आप लोग नोट्स भी बना लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फटाफट करेंगे और आंसर बताएंगे भाई। लिखा हुआ है 5 गुणे 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 10 प्लस 4 से किस संख्या का बोध होता है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 144, ऑप्शन नंबर बी 145, ऑप्शन नंबर सी 155, ऑप्शन नंबर डी 140, करेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। देखिए दोस्त यहां पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई दिया हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से मैं बॉड मास लिख देता हूँ, बी ओ डी एम ए एस। बार बार लिखने का मतलब क्या होता है दोस्त, करत करत अभ्यास ते जर्मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से आपको चीजें क्या होंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, यानी कि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट क्या है, नहीं है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओ फॉर ऑफ, ऑफ भी नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। डी फॉर डिवाइड, ये भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। एम फॉर मल्टीप्लाई, तो इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पांच गुड़े दस लिखा हुआ है, पांच गुड़े दस तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पचास हो जाएगा प्लस। ठीक है, तीन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, दो बार गुणा करना, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ, और गुणे कितना, दस, और प्लस क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, तो यहां पर देखिए पचास और प्लस कितना, देखिए दस और नौ कितना हो जाएगा, देखिए दस नौ कितना हो जाएगा, नब्बे, और प्लस कितना, चार। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लीजिए, पचास नब्बे प्लस चार बराबर कितना हो जाएगा, एक सौ चौवालीस। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था, कोई जरूरी नहीं है कि बॉडमॉस के सभी संख्याएं एक साथ आ जाए। देखिए ना, तो इस क्वेश्चन में ब्रेकेट आया है, ना ऑफ आया है, ना डिवाइड आया है, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लाई से, और ऐड पर क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां पर देखिए माइनस भी नहीं आया है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा दोस्त, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। देखिएगा, लिखा हुआ है पांच सही एक बट्टा सात भागे एक सही पांच बट्टा सात का दो सही एक बट्टा तीन का सरलतम रूप है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक सही तीन बट्टा सात, ऑप्शन नंबर बी दो सही तीन बट्टा सात, ऑप्शन नंबर सी एक सही दो बट्टा सात, ऑप्शन नंबर डी एक सही तीन बट्टा सात। फटाफट आंसर बताइए भाई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, सात पच्चे कितना हो जाएगा पैंतीस, और एक कितना हो जाएगा छत्तीस बट्टा कितना सात, और भागे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ सात एकन्नम सात, और पांच कितना बारह बट्टा कितना हो जाएगा सात, और का। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए दो तीन, यहाँ तीन दूना कितना, तीन दूना कितना हो जाएगा छह, और एक कितना हो जाएगा सात बट्टा तीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बॉडमॉस रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं बी ओ डी एम ए एस। ठीक है ना, बॉडमॉस, तो बी फॉर ब्रैकेट नहीं आया है, छोड़ देंगे। ओ फॉर ऑफ आया है, तो इसी को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा छत्तीस बट्टा कितना सात, और भागे कितना हो जाएगा बारह बट्टा सात, और गुणे कितना हो जाएगा सात बट्टा तीन। तीन सात से देखिए यहाँ पर सात से सात क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और तीन चौके कितना बारह हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना भाई? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद डिवाइड करेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा छत्तीस बट्टा कितना सात, और भागे कितना हो जाएगा चार बट्टा कितना एक। इसको आगे देखिएगा, अभी अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था भाई कि जब यहाँ पर क्या हो, भाग हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना लिख सकते हैं, गुणे कितना एक बट्टा चार, यानी कि ये पलट जाता है, तो कितना लिख देंगे, इसको काट दीजिए, चार से कितना हो जाएगा नौ, चार नौ कितना हो जाएगा छत्तीस, और बराबर कितना हो जाएगा ये नौ बट्टा सात, बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिए नौ बट्टा सात को आप क्या लिख सकते हो, नौ बट्टा सात को आप क्या लिख सकते हो, एक सही दो बट्टा सात। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया भाई? बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टेन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्त, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। देखिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई ये फॉर्मूले पर बेस्ड है, टोटली फॉर्मूले पर बेस्ड है, फटाफट आंसर बताएंगे। देखिए लिखा गया है 0.88 गुणे 0.88 माइनस 2 गुणे 0.88 गुणे
प्लस 0.68 इंटू क्या 0.68 बटा 0.88 माइनस 0.68 का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0.1, ऑप्शन नंबर बी 0.2, ऑप्शन नंबर सी 0.3, ऑप्शन नंबर डी 0.4। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। देखिए दोस्त, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा दोस्त। क्या यूज होगा? ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना, और प्लस क्या दोस्त, बी स्क्वायर, प्लस क्या, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, ए माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो यही फॉर्मूला यहां पर क्या करेंगे, चिपका देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0.88 आपका ए है और 0.68 आपका क्या है दोस्त, बी है। क्लियर है? तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, 0.88 माइनस 0.68 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और बट्टा कितना हो जाएगा, नीचे वाले को लिख दीजिए 0.88 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस 0.68। क्लियर है? यहां पर देखिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए माइनस कर लीजिए दोस्त, कितना हो जाएगा, 0.88 माइनस 0.68 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.20 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बट्टा कितना, यहां भी माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए किसी संख्या पे जितनी पावर उसको उतनी बार क्या करते हैं दोस्त, गुणा करते हैं। तो 0.20 गुणे कितना, 0.20 और बट्टा कितना, 0.20। तो 0.20 से 0.20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बच रहा है दोस्त वो क्या बच रहा है, 0.20। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर अलजेब्रा के लिए, फॉर्मूले के लिए भी मैंने आपको एक वीडियो पहले से ही दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है ना। मजा आया कि नहीं भाई? ये पूरा टोटली क्या था, फॉर्मूले पर बेस्ड था, ठीक है, और इससे इजी आप कर भी नहीं पाएंगे। इसको फॉर्मूले से करेंगे तभी फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा दोस्त, करेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। देखिएगा भाई इसको, ठीक है ना, इसको आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है का सरलतम रूप क्या है, मैं ऑप्शन इसका पढ़ दे रहा हूं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। फटाफट आंसर बताइए भाई, इसका क्या आंसर होगा भाई? किसी को पता है कि ये कौन सी भिन्न इसको बोलते हैं? इस टाइप से जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको कौन सी भिन्न बोलते हैं दोस्त? किसी दोस्त को पता हो कि इसे कौन सी भिन्न बोलते हैं तो बताएगा भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि ये कौन सी भिन्न है। तो ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं वितत्त भिन्न। कौन सी भिन्न? वितत्त भिन्न। तो इस भिन्न को दोस्त हमेशा आप नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। किधर को? नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट इधर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वितत भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाता है। तो इतने को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो 8 एकन्नम 8 और माइनस कितना 7, 8 माइनस 7 बट्टा कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना आ गया दोस्त, 1/8 आ गया। कितना आ गया, 1/8। मतलब क्या, 1 - 7/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। यहां पर आगे देखते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 6/1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1, और यहां पर ध्यान दीजिए 8/1, और बट्टा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को, मतलब 1/8 को लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/8 को, ठीक है ना, क्योंकि इतने को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो इसको ये कहां जाएगा दोस्त, ये ऊपर चला जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा 1/6 और गुणे कितना, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 और बट्टा क्या,
आठ और ये भागे कितना हो जाएगा दोस्त, आठ, ठीक है ना। तो आठ और आठ को भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए प्लस ये भी लिखते चलेंगे साथ में, प्लस पांच बट्टा छ, यहां भी प्लस पांच बट्टा छ, ठीक है ना, साथ में लिखते रहिए, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पर एक, ये आठ भागे आठ करेंगे भाई कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट देखिए यहां पर कितना हो जाएगा ये एक, और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो छह गुणे एक बट्टा एक और प्लस कितना, पांच बट्टा छ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा छ प्लस कितना, पांच बट्टा छ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब नीचे वाला बराबर हो यानी कि हर बराबर हो तो ऊपर वाले को जोड़ या घटा लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ है इसलिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो एक प्लस पांच बराबर किसके हो जाएगा दोस्त, छ बट्टा छ, छ से छ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है, फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग क्या करेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, बहुत ही लाजवाब, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लिया है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप किसी भी स्टैंडर्ड में देखेंगे भाई, ये रेलवे वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वितत भिन्न, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर बताइएगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए पांच सही एक बट्टा दो, ऑप्शन नंबर बी चार सही एक बट्टा दो, ऑप्शन नंबर सी छह सही एक बट्टा दो, ऑप्शन नंबर डी सात सही एक बट्टा दो। फटाफट आंसर करिए दोस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, बॉर्डमॉस रूल फॉलो करेंगे यहां पर हम लोग और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। देखिएगा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बॉर्डमॉस रूल लगाने से पहले क्या करेंगे दोस्त, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखता है तो हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए दो छंगे बारह और एक कितना हो जाएगा दोस्त, तेरह बट्टा कितना दो, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे पांच, यहां देखिए दो पंचे दस और एक कितना हो जाएगा ग्यारह बट्टा कितना हो जाएगा ये दो, ठीक है ना। आगे बात करिए माइनस, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, दो चौके आठ और एक कितना हो जाएगा नौ और बट्टा कितना दो, माइनस छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, दो तीन छह और एक कितना हो जाएगा सात बट्टा दो, माइनस यहां देखिए दो दूना चार और एक कितना हो जाएगा पांच बट्टा दो, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कौन सा मझला ब्रैकेट और फिर कौन सा बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पर आप बॉर्डमॉस रूल फॉलो करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बी ओ डी एम ए एस, ठीक है, बॉर्डमॉस, क्लियर है। यहां देखिए बॉर्डमॉस बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट में पहला बार ब्रैकेट, दूसरा कौन सा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक, और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट यानी कि लार्ज ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको पहले ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहां तक हम लोग ऐसे ही एट इज लिख देते हैं, तो तेरह बट्टा दो माइनस, ठीक है ना, ग्यारह बट्टा दो और माइनस मझला ब्रैकेट लगाएंगे कितना हो जाएगा नौ बट्टा दो माइनस, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर हर बराबर है तो ऊपर वाले क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्त, माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा सात माइनस पांच और बट्टा कितना दो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे दोस्त, मझला ब्रैकेट और फिर कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आइए, देखिए स्टेप वाइज स्टेप हम लोग करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, नहीं तो ये तुरंत गलत हो जाता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉर्डमॉस चलेंगे।
अगर हम अकॉर्डिंग टू बॉर्नहॉर्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 वट्टा कितना हो जाएगा 2 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा 11 वट्टा 2 माइनस, मझला ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 9 वट्टा 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 7 माइनस क्या कर देंगे 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 वट्टा 2, क्लियर। यहाँ पर देखिए फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैंसिल भी हो रहा है लेकिन हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। देखिए भाई कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 13 बट्टा 2, ठीक है, माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 11 बट्टा 2 यानी कि 11 बट्टा 2 माइनस। यहाँ पर देखिए फिर से क्या है आपका, हर बराबर है तो ऊपर वाले क्या करते हैं एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 9 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा अब आपका 13 बट्टा 2 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 11 बट्टा कितना 2 और माइनस, यहाँ पर देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट और क्या हो जाएगा 11 बट्टा 2 माइनस, 9 में से आप 2 घटा देंगे दोस्त कितना हो जाएगा 7 और बट्टा कितना 2, क्लियर, ठीक है ना, और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहां भी आपका क्या है दोस्त, यहां भी आपका हर बराबर है, क्या है यहां पर हर बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 बट्टा 2 माइनस हर बराबर है, ठीक है ना, तो ऊपर वाले क्या करेंगे माइनस, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आगे बात करेंगे कितना हो जाएगा 13 बट्टा 2 माइनस 11 में से 7 करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा दोस्त 4 बट्टा कितना 2, देखिए और ये सिंपल हो रहा है ना, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2 बट्टा 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई नीचे वाला क्या हो जाएगा एक बार फिर से बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे वाला फिर से बराबर हो जाएगा, यानी कि हर बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 2, ठीक है ना, और ऊपर वाले को एथिस क्या करेंगे माइनस, 13 माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर किसके भैया 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 बट्टा 2 को 2 चौक कितना 8 है ना, और 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2, 4 सही 1 बट्टा 2, दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है, मजा आ रहा है ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे भाई, कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6, फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्त इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं बॉर्डमॉस फिर से एक बार लिखूंगा और इसको समझने की कोशिश करिए, बी ओ डी एम ए एस, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ब्रैकेट कहीं पर नजर नहीं आ रहा है तो बी को क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्त, का, और का मतलब क्या होता है गुणा, तो हम लोग इसी को करेंगे पहले सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2 भागे कितना हो जाएगा 3 बट्टा 4 और भागे कितना हो जाएगा दोस्त 2 बट्टा 3 और बटे कितना 1 बट्टा 2 और यहाँ पर देखिए भागे कितना हो जाएगा 3 बट्टा 4 और गुणे कितना 2 बट्टा 3, देखिएगा 3 से 3 कैंसिल 2 एक 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इतना समझ में आया भाई। अब देखिए आगे क्या करेंगे दोस्त, तो आगे आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो इसको लिख लीजिए 1 बट्टा 2 डिवाइड कितना हो जाएगा 3 बट्टा 4 और भागे कितना 2 बट्टा 3 और बट्टे कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2, यहाँ पर भागे कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2, ठीक है। ऑफ के बाद आपका जो आता है वो क्या आता है डिवाइड, तो हम लोग क्या करेंगे अब डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे दोस्त डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2, और मैंने आपको बताया था डिवाइड का साइन लगा हो, जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे जहां पर डिवाइड का साइन है वहां क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है,
पहले नंबर को वहीं पर रोक के दूसरे वाले नंबर को, दूसरे वाली संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो चार नीचे है तो कहां चला जाएगा, ऊपर, और तीन ऊपर है तो तीन कहां चला जाएगा, नीचे। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीन और बट्टा कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, एक बट्टा क्या, दो। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गुणे दो बट्टा कितना हो जाएगा, एक। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, काटा पीटी मचाएंगे। यहाँ पर देखिए, तीन से तीन कट जाएगा, और दो एक अन्नम दो, दो दूना कितना चार, दो से ये क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो से ये वाला दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्त, इसको आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, एक बट्टा कितना, एक बट्टा दो, और कितना हो जाएगा ये, गुणे दो बट्टा कितना, एक। ठीक है, ये वाला दो कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है ना, कहां चला जाएगा भाई, ऊपर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, दो गुणे कितना हो जाएगा, दो और बट्टा कितना, एक। ठीक है, तो एक लिखे या ना लिखे, ठीक है ना, तो दो दुना कितना हो जाएगा दोस्त, चार। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। ठीक है ना, यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, चार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई, देखिए अकॉर्डिंग टू बोडमोस रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, तो इसलिए देखिएगा बोडमोस रूल में अगर आपको कोई भी स्टेप मिस होता है, तुरंत आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे, फुल्ली कंसंट्रेट होकर आप क्वेश्चन को रीड करिए और उसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, ऑप्शन नंबर ए 1/10, ऑप्शन नंबर बी 1/13, ऑप्शन नंबर सी 2/5, ऑप्शन नंबर डी 3/7। फटाफट आंसर करेंगे यार, बूम मचाना एकदम, समझ लीजिए क्वेश्चन को करेंगे। और लगातार मैं आपको अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, हर चैप्टर से मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आप लगातार क्वेश्चन को करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है ना, और भाई जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका यही क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक को, एक एक टर्म को हम लोग लेकर सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए, दो एक अन्नम दो और माइनस एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक, और बट्टा कितना हो जाएगा, दो। तो ध्यान दीजिए, इसको कर लेते हैं, दो एक अन्नम दो माइनस कितना, एक, और बट्टा कितना दोस्तों, दो। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, तीन एक अन्नम तीन और माइनस कितना, एक, और बट्टा कितना हो जाएगा आपका, तीन। ठीक है, यहां पर देखिए, इस वाले टर्म पर देखिए, चार एक अन्नम चार और माइनस एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, और बट्टा कितना हो जाएगा, चार। ठीक है, पांच एक अन्नम पांच और माइनस एक, तो पांच एक अन्नम पांच माइनस एक और बट्टा कितना, पांच। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगातार कहां तक जाना है दोस्तों, कहां तक जाना है, दस तक जाना है। तो दस एक अन्नम दस और माइनस कितना, एक, और बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, दस। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, दो में से एक माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, एक बट्टा दो, और गुणे कितना, तीन माइनस एक तो कितना हो जाएगा, दो बट्टा कितना, तीन, और गुणे चार माइनस एक तो कितना हो जाएगा, तीन बट्टा चार, पांच माइनस एक तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चार बट्टा पांच। ध्यान दीजिए, ऐसे ही लगातार यहां पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना, दस माइनस एक और कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नौ, और बट्टा कितना, दस। ठीक है, गुणे का साइन लगा देते हैं। अब यहां पर देखिए, जब ऐसे ही हम 1-1/5 कर रहे हैं तो कितना हमारे पास आ रहा है, 4/5, कितना आ रहा है, 4/5। तो 1-1/6 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5/6, और जब क्या करेंगे 1-1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/7। ठीक है, 1-1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8। 1-1/9 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। ठीक है, जो डॉट डॉट दिया है वो ये टर्म है दोस्तों, कितने टर्म है, वो इतने टर्म भी क्या है, मिस है, इसका मतलब आप समझ लेंगे, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आप काटा पीटी मचाते हैं, ध्यान दीजिए, क्रॉस करते रहिए, देखिए दो से दो उड़ा देंगे, तीन से तीन उड़ा देंगे, चार से चार को उड़ाएंगे,
पांच से पांच को उड़ा देंगे, छह से छह को उड़ा देंगे, सात से सात को, आठ से आठ को, और नौ से किसको, नौ को उड़ा देंगे। देखिए ऊपर एक बच रहा है और नीचे कितना बच रहा है दोस्तों, दस बच रहा है, एक बट्टा दस, दिस इज फाइनल आंसर। यही क्या है आपका परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे दोस्तों। यहां पर देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ है 1 + 1/2 × 1 − 1/2 × 1 + 1/3 × 1 + 1/3 × 1 + 1/4 × 1 − 1/4 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3/8, ऑप्शन नंबर बी 5/8, ऑप्शन नंबर सी 4/7, ऑप्शन नंबर डी 5/7। फटाफट आंसर करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 यही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, बहुत ही केयरफुली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो दो टर्म एक साथ मैच कर रहे हैं, मतलब ये वाला टर्म और आपको ये वाला टर्म और आपको ये वाले टर्म के साथ कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये क्या है ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। यहां पर देखिए हर टर्म के साथ, ठीक है, सभी टर्म के साथ आपको क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा पॉइंट यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कितना 1/2 का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए आप बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे ही आप इस टर्म के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू क्या हो जाएगा, फिर वही करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा होगा तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस कितना 1/4 का होल स्क्वायर, क्लियर है, इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1/2 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्लियर है, इतना समझ में आया भाई। 1 पे चाहे जितनी पावर, दुनिया की जितनी भी नंबर आपको आता है दोस्तों 1 पे उतनी पावर लगा दीजिए तो वैल्यू तब भी आपके लिए क्या आएगी 1 ही आएगी, क्लियर है, 1 पे चाहे जितनी पावर आएगी वैल्यू हमेशा क्या आएगी उसकी, यानी कि उत्तर हमेशा क्या आएगा उसका 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, है ना, और माइनस यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और बट्टा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले 1 का स्क्वायर 1 आएगा और नीचे वाले 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16 हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसी के नीचे आप नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 − 1 और बट्टा कितना 4, ठीक है। आगे बात करिए, देखिए 9 × 9 माइनस कितना हो जाएगा 1 और बट्टा कितना 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 × 16 माइनस कितना 1 और बट्टा कितना हो जाएगा 16, इतना समझ में आया भाई, ठीक है। आगे कर लेते हैं फटाफट, बस इसी के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 − 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और बट्टा कितना 4, यहाँ पर देखिए और फिर क्या लग जाएगा आपका गुणा का साइन, ठीक है। 9 − 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और बट्टा कितना 9, ठीक है, फिर क्या लगा देंगे इनटू, ठीक है। 16 − 1 करेंगे कितना आ जाएगा 15 और बट्टा कितना 16, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिरिका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 3 से फिर से इसको काट दीजिए, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 और 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 8, 2 × 8 = 16, क्लियर है, बराबर कितना आ जाएगा 5/8। This is final answer. यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है ना,
एकदम जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू देखिए, जहां पर आपका फॉर्मूला लग रहा है वहां पर मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जहां पर आप बॉर्डमॉस रूल फॉलो हो रहा है वहां पर मैं आपको बॉर्डमॉस रूल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर बताइएगा आप लोग। मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन है आपका एक सही 657/1024, ऑप्शन बी है एक सही 650/1333, ऑप्शन सी है 2 सही 3/7, ऑप्शन डी है 3 सही 2/7। भाई फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो यही क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अगर थोड़ी सी आपकी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी आप अगर केयरलेस हुए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप हम क्वेश्चन को कराएंगे। 1+ यहाँ पर देखिए 1 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 1 × 2 करेंगे 2 और 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई। और प्लस ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 और 4 कितना 8, और 8 × 2 कितना हो जाएगा 64, 1/2 आ गया यहाँ पर 64। और प्लस ध्यान दीजिएगा 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 कितना 8, 8 × 2 64 और 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 1/2 हो जाएगा 1024, ठीक है। तो इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम इसका आ जाएगा 1024 आ जाएगा, क्लियर हुआ। 1024 को 1 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1024 ही आएगा। और प्लस ध्यान दीजिए 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 512 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। प्लस 8 से इसको भाग करिए भैया, 8 से भाग करेंगे तो 128 आएगा, 128 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, क्लियर है। यहाँ पर देखिए 64 से 1024 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 16 आ जाएगा, और 16 को 1 के साथ गुणा कराओगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। 1024 को 1024 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 के साथ गुणा कराओगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। इतना समझ में आया भाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर फटाफट इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1684/1024, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक सही कितना भैया 657/1024, क्लियर है। यही आपका क्या है भाई, फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 35। भाई फटाफट आंसर बताइएगा आप लोग। ध्यान दीजिए इसी को सॉल्व करना है, तो यहां पर देखिए आप लोगों को दिख रहा है प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड और का, यहां पर मैं बॉर्डमॉस लिख देता हूं BODMAS, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको ब्रैकेट नहीं नजर आ रहा है तो ब्रैकेट वाला छोड़ देंगे, आपको ओ नजर आ रहा है कि ऑफ नजर आ रहा है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है गुणा। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 5+5 × 5 और बटे कितना हो जाएगा 5 × 5 और प्लस कितना 5 और यहां पर गुणे, यहां पर ध्यान दीजिए 1/5 है ना, और डिवाइड 1/5
और गुणे कितना हो जाएगा, एक बट्टा पांच, ठीक है, और बटे, ध्यान दीजिए, एक बट्टा पांच और ये का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा एक बट्टा कितना पांच और भागे कितना हो जाएगा एक बट्टा पांच। क्लियर है, इतना समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात कर लीजिए, यहां पर अब आपके साथ दिख रहा होगा, अब आपके सामने दिख रहा है क्या, डिवाइड, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मॉस, तो क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस कितना 5 इंटू कितना 5 और अपॉन कितना दोस्त 5 इंटू 5 प्लस कितना 5 और यहाँ कितना हो जाएगा इंटू, तो ध्यान दीजिए 50 कितना हो जाएगा 25। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग डिवाइड वाला करेंगे, तो ठीक है, डिवाइड कितना हो जाएगा एक बट्टा 25 और बटे कितना हो जाएगा एक बट्टा 25 और डिवाइड कितना एक बट्टा 5। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई ध्यान दीजिए, आगे हम लोग अब करेंगे डिवाइड, तो 5 प्लस कितना 5 और गुणे कितना 5 बटे 5 गुणे 5 प्लस कितना 5 गुणे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा एक बट्टा 5, ठीक है, और यहाँ पर गुणा उलट जाएगा कितना हो जाएगा 25 बट्टा 1 और बट्टा कितना हो जाएगा एक बट्टा 25 और गुणे कितना हो जाएगा 5 बट्टा 1, तो 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 5 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, और इसको 5 से काट दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं भाई, इतना समझ में आ गया ना, तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे समझ लीजिए 5, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 5 प्लस 5 गुणे कितना 5 और बटे कितना 5 गुणे 5 प्लस कितना 5 और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है 5 बट्टा 1 और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और बट्टा कितना 1 बट्टा 5, ठीक है, तो अंदर का अंदर के साथ गुणा और बाहर का बाहर के साथ गुणा, तो गुणा करा दीजिए और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना 25, ठीक है, और बटे यहाँ पर देखिए 25 और प्लस कितना 5 और यहाँ पर गुणा का साइन है, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना 5 और बटे कितना 1 गुणे कितना 1, ठीक है, ध्यान दीजिए 25 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और बट्टा कितना 30 और गुणे कितना 25 बट्टा 1, 30 30 कैंसिल हो जाएगा बराबर कितना आ गया 25। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फुल्ली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जैसा नाम है चैप्टर का सरलीकरण वैसा ही क्वेश्चन आ गया है इस बार, देखेंगे इसको ध्यान से और बताएंगे फटाफट इसका आंसर, मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए है आपका 3 सही 87 बटा 130, ऑप्शन नंबर बी है 3 सही 88 बटा 130, ऑप्शन सी है 3 सही 17 बटा 130, ऑप्शन डी है 4 सही 17 बटा 130, फटाफट इसका आंसर बताइए भाई, इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही केयरफुली, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और साथ ही जो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और एक कितना 29 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 और माइनस 4 दुना 8 और एक कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा ये आपका 4, ठीक है, और बटे देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 6 और एक कितना हो जाएगा 7 बटा 2 प्लस यहाँ पर देखिए 7 एक 7 और एक कितना हो जाएगा 8 बटा 7, ठीक है, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा 3 और प्लस 1 बटा 5 भागे 1 बटा 7 आपका, इतना समझ में आया भाई, और बटे कितना हो जाएगा आपका 1 बटा 9 और भागे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 13 दुना 26, ठीक है, 2 से भाग करेंगे 26 में तो कितना आ जाएगा 13 और 13 गुणे करेंगे कितना आ जाएगा 13 प्लस
से 26 में भाग करें कितना है, 13 दूना 26, 2 और 2 गुणे कितना करेंगे 1, तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट स्टेप में बात करिए तो यहां पर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा आपका 29 बटा कितना 7 माइनस 9 बटा कितना 4 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 7 बटा 2 और यहां पर प्लस कितना 8 बटा 7। ठीक है, यहां पर देखिए गुणे, यहां पर ध्यान दीजिए 1 बटा 3, ठीक है भाई, और प्लस 1 बटा 5, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा भागे 1 बटा 7 और बटे 1 बटा 9 भागे, यहां कितना हो जाएगा 13 दो 15, ठीक है, 15 बटा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई, आइए इधर समझते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए कितना है यहां पर 29 बट्टा कितना 7 और माइनस 9 बट्टा कितना है यहां पर 4 और पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है 7 बट्टा कितना 2 और प्लस कितना 8 बट्टा 7। ठीक है दोस्त, और गुणे, यहां पर ध्यान दीजिए 1 बटा 3 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 5, है ना, और ये गुणे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा 1 और बटे 1 बटा 9 और यहां पर देखिए 15 बटा 26 लिखा हुआ है तो उलट जाएगा 26 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग गुणा करा लेंगे और यहां पर भी क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 29 यहां पर देखिए 29 बटा 7 और माइनस 9 बटा 4 तो यहां पर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 से 29 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 116 और माइनस 9 सते कितना हो जाएगा 63। ठीक है, और बड़ा वाला यहां पर देखिए अपॉन लगाएंगे और बटे कितना हो जाएगा यहां पर देखिए फिर से लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 7 × 14 और 2 से करेंगे यहां पर भाग तो कितना आ जाएगा 7, 7 सत्ता कितना हो जाएगा 49 प्लस 7 × 14 और 8 × 2 कितना हो जाएगा दोस्त 16। ठीक है, गुणे, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 बट्टा कितना 3 और कितना हो जाएगा प्लस 7 बट्टा कितना हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा यहां पर 26 बट्टा कितना, ध्यान दीजिए 15 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है, 116 माइनस 63 कर दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 6 माइनस 3 करेंगे कितना जाएगा 3। ठीक है, और 11 में से 6 घटा देंगे कितना जाएगा 5 और बटे कितना 28। ठीक है, और पूरे के बटे में देखिए 49 प्लस कितना 16 कर दीजिए कितना आ जाएगा 65 और बटा कितना आपका 14। इतना क्लियर हुआ, यहां पर देखिए गुणे, यहां पर देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 15, कितना आएगा दोस्त 15 और 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, 5 गुणे 1 करेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस देखिए 5 3 15 और 7 कितना हो जाएगा 21 और बट्टा आपका कितना हो जाएगा 26 और बटे कितना 135। इतना क्लियर हो गया भाई, इसको नोट कर लीजिए तो आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 53 क्या लिखा हुआ है 53 बटा 28 और पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है 65 बटा कितना 14 गुणे, ध्यान दीजिए 5 और 21 कितना हो जाएगा आपका 26 और बटा कितना 15 और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 26 बटा कितना 135। क्लियर है यहां से? ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोग को पता चल जाए, है ना, कि ये स्टेप स्टेप है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, अंदर का अंदर से गुणा और बाहर का बाहर से गुणा करा दीजिए। ठीक है भाई, अंदर का अंदर के साथ गुणा और बाहर का बाहर के साथ गुणा करा दीजिए तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 53 गुणे कितना हो जाएगा 14 और बटे 65 गुणे कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा यहां पर 26 गुणे कितना 135 और बट्टा कितना आ जाएगा आपका भैया 26 गुणे कितना 15। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 26
26 के साथ कैंसिल, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और 15 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना भाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 53 गुणे कितना हो जाएगा 9, और बट्टा कितना 65 गुणे कितना दोस्त 2 बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणा करा दीजिए, 9 3 कितना 27, और 9 5 45, और 2 कितना 47, और बट्टा 65 गुणे 2 बट्टा कितना हो जाएगा 130। क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सही 87 बटा 130। दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा था भाई, लेकिन अगर हम लोग इसको स्टेप वाइज स्टेप नहीं करते तो आंसर आपका गलत आता, ये मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि इसका आंसर आपका गलत आता। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज स्टेप अगर करेंगे तभी इसका आंसर सही आएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर आपको, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे, एकदम धुआं धुआं करेंगे भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम जबरदस्त बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0.1, ऑप्शन नंबर बी 0.2, ऑप्शन नंबर सी 0.3, ऑप्शन नंबर डी 0.4, ठीक है भाई फटाफट आंसर करिएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है तो बहुत ही ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छा नजर आ रहा होगा। ये एक आपका क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर a इंटू ए, और यहाँ पर क्या बन रहा है b इंटू बी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कुछ, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या दोस्त ए माइनस बी। क्लियर है, इसी को लगा दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2.6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2.4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा कितना हो जाएगा आपका 2.6 प्लस कितना 2.4। क्लियर है, तो यहां पर देखिएगा इसी में कन्वर्ट कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा ये 2.6 प्लस 2.4 है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2.4, और बट्टा कितना आ जाएगा 2.6 प्लस 2.4। क्लियर है, यहाँ पर देखिए इससे और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, आपके पास क्या बच रहा है 2.6 माइनस 2.4। क्लियर है, आपका जो आंसर आएगा दोस्त माइनस कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.2, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं मजा आया, यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी प्रिपेयर हो रहा है, यानी कि मैं फॉर्मूला भी आपका तैयार करवा दे रहा हूँ, और अलजेब्रा के लिए मैंने पूरी कंप्लीट एक वीडियो भी बना दी है, उसमें आपको मैंने केवल और केवल क्या बताया है अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया है, तो दोस्त उसे भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे भाई, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन है आपका 2.5, ऑप्शन नंबर बी 2.4, ऑप्शन नंबर सी 2.6, ऑप्शन नंबर डी 2.3, फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा भाई 2.3 होल क्यूब, 2.3 होल क्यूब प्लस 0.027 अपॉन 2.3 होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09, आपको इसी की वैल्यू बतानी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा दोस्त 2.3 का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला टर्म भी क्या होगा आपका क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3 का क्या हो जाएगा ये होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 27 आता है, देखिए 0.3 लगा हुआ है तो इसको 3 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा पीछे से 3 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है पीछे से 3 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, तो ये आपका क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, बन गया कि नहीं बन गया भाई, बन गया ना क्लियर। तो यहाँ पर
देखिए 2.3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2.3 इंटू कितना 0.3 और प्लस कितना हो जाएगा 0.3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, 0.09 को क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर और 0.69 को क्या लिख सकते हैं 2.3 इंटू 0.3। क्लियर है, इतना समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे a क्यूब, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो यहां से हम लगाएंगे क्या a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये भी ध्यान दीजिए, कौन सा a प्लस b और क्या लगाएंगे a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या b स्क्वायर। क्लियर है, यहां पर देखिए ये a स्क्वायर है और ये क्या है b स्क्वायर और ये क्या है a और ये क्या है b है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं भाई, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर वाले को क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, इसको खोल देंगे a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2.3 और प्लस क्या 0.3। क्लियर है, और क्या हो जाएगा 2.3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और क्या माइनस 2.3 इंटू क्या हो जाएगा 0.3 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 0.3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा आपका क्या हो जाएगा 2.3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर जो है यहाँ पर माइनस होगा दोस्त, क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा माइनस, इतना देखिए यहां पर, इतना समझ में आया। अब ये नीचे वाला पोर्शन यहां पे भी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2.3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2.3 और गुणे कितना 0.3 और प्लस कितना 0.3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच रहा है दोस्तों, आपके पास क्या बच रहा है 2.3 और प्लस क्या 0.3, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 2.6, यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा आप क्या करेंगे फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूं मैं कि ये क्या है सूत्र है, ठीक है भाई, बढ़िया है, समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे, किस पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फटाक से आप आंसर बताएंगे। इस फॉर्मूले को मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा ही आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। यहां पर देखिए मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 1, फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए भाई ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/2 लिखा हुआ है, देखिए 5 पावर 1/2 यानी कि 5 की घात 1/2 लिखा हुआ है, 3 की घात 1/2 लिखा हुआ है, यहां भी वही लिखा हुआ है 5 की घात 1/2 और माइनस 3 की घात 1/2, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, किसी भी संख्या की पावर आधी अगर लिखा गया है तो उसको हम लोग अंडर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त अंडर रूट 5 और प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी पे यहाँ पे देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 और माइनस क्या अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर भाई, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा जो फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस क्या अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्त होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं देखिए किसी भी चीज को, देखिए अंडर रूट 5 इंटू कितना अंडर रूट 5, इसको आप क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, माइनस अंडर रूट 3 इंटू कितना अंडर रूट 3, क्लियर है।
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस पे जितनी पावर उसको उतनी बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। और किसी भी नंबर को अगर दो बार लिखा जाए अंडर रूट के साथ तो उसको क्या करते हैं, उसके अंदर जो नंबर लिखा गया है उसको बाहर कर लेते हैं। या इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अंदर जो नंबर लिखा गया है उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, बराबर कितना आ जाएगा, 2। यही आपका क्या है, परमशक्त आंसर है। यही आपका क्या है दोस्त, फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लगातार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब आप लोग समझिए कि फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अलजेब्रा का फॉर्मूला का पूरा वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ भाई। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका 0.9306। फटाफट आंसर करेंगे भाई, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया है, देखिए ये ए है, ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये भी तो ए है लिखा हुआ है, ये भी तो ए लिखा हुआ है दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये ए ए ए है और वहां क्या है, बी क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0347 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और प्लस लगा हुआ है बीच में, तो प्लस लगा देंगे, और 0. क्या हो जाएगा, 965 और 3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, ठीक है दोस्त। और बट्टा, बट्टा कितना हो जाएगा, 0.0347 का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर माइनस 0.0347 इंटू 0.9653, ठीक है दोस्त। और क्या हो जाएगा आपका, प्लस 0.9653 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्लियर। यहां पर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला कौन सा होगा, वो सूत्र कौन सा होगा, वो सूत्र आपका होगा ए क्यूब और क्या, प्लस बी क्यूब, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और क्या होता है दोस्त, होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या, बी स्क्वायर, क्लियर है। इसी फॉर्मूले पर चिपका दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिख देंगे, 0.0347, ठीक है दोस्त, और प्लस 0.9653, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0.0347 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त, और क्या हो जाएगा, माइनस 0.0347, ठीक है, इनटू 0.9 कितना हो जाएगा, 653, मतलब क्या है, ये ए स्क्वायर है और ये क्या, माइनस ए और क्या हो जाएगा, इनटू बी और प्लस क्या हो जाएगा, 0.9653 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, इतना समझ में आया भाई। और बट्टे, और बट्टे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 0.034 और क्या, 7 और क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, इसी को आपको लिखना है नीचे वाले को, और क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, मतलब माइनस 0.034 और क्या, 7 इंटू 0.9653 और प्लस कितना हो जाएगा, 0.9653 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो टर्म आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, ऊपर और नीचे एक टर्म ऐसा नजर आ रहा होगा, ये वाला और ये वाला सेम, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, आपके पास क्या बच रहा है, 0.0347 प्लस 0.9653, इसको ऐड करिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 1.000 और 0, क्लियर है, मतलब क्या आ जाएगा आपका, एक
यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य। आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए भाई, इसका मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 400। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। फटाफट ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये भी क्या है आपका फॉर्मूला बेस है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या है आपका, अगर थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 11.2 का क्या होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 2 × 11 क्या 2 और इंटू क्या लिख सकते हैं 8.8 और प्लस क्या 8.8 का क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर, क्लियर है। यहां पर देखिए आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला है, इसको a मान लीजिए, मतलब a स्क्वायर प्लस 2 × क्या a और इंटू क्या b और प्लस क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर, क्लियर है। किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे, ये a है और ये क्या है b है, तो यहाँ पर देखिए 11.2 और प्लस क्या हो जाएगा 8.8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8 2 कितना 10 और यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, ठीक है, और कैरी 1, 8 और 11 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर कितना दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे, क्लियर है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले का कितना महत्व है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 23 में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ था दोस्तों, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 में a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, तो फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे इसका। यहां पर देखिएगा इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 120, ऑप्शन नंबर डी 130। फटाफट आंसर करिए दोस्त, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसके पहले अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा है, उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वहां पर यूज हुआ था, यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहां पर ये आपको a दिख रहा है ना दोस्त, देखिए यहां पर a और ये क्या है 2 × a और इंटू क्या ये आपको दिख रहा है b और प्लस ये क्या दिख रहा है b × b का मतलब क्या हुआ बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, माइनस क्यों लग रहा है दोस्त, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहीं पर वैल्यू ले आके चिपका दीजिए, 12.8 माइनस 2.8 का क्या हो जाएगा दोस्त होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहां से माइनस कर लीजिए तो 8 माइनस 8, देखिए यहां पर 2.8 माइनस कर लीजिए 12.8 से तो कितना आ जाएगा 10.0 का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर इसको क्या लिख सकते हो आप 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए आप लोग को अब दिख रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां भी आपका फॉर्मूला यूज होगा, आप लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन को और फटाफट आंसर बताएंगे। हम आपको बता देते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 195, ऑप्शन नंबर सी 95, ऑप्शन नंबर डी 10। फटाफट आंसर बताइएगा दोस्त।
देखिएगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, और इसका यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला फिर से नजर आएगा, तो ध्यान दीजिए जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर हो जाएगा यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी और नीचे भी ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी, ठीक है फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 998 प्लस 997 ठीक है एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 998 माइनस 997 और माइनस क्या 45 और बट्टा क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 98 प्लस कितना दोस्तों 97 और इंटू क्या हो जाएगा 98 माइनस क्या 97 क्लियर हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1995 ठीक है और यहां पर देखिए 998 माइनस 997 करेंगे तो कितना आ जाएगा एक और माइनस कितना दोस्तों 45 और बट्टा यहां पर ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 97 प्लस 98 195 ठीक है ना और यहां पर क्या हो जाएगा 98 माइनस 97 तो गुणे कितना हो जाएगा एक इतना क्लियर हुआ ध्यान दीजिएगा आगे एक स्टेप में और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पर आपका खत्म ठीक है तो 1995 ठीक है दोस्तों माइनस 45 और बट्टा कितना 195 बराबर कितना हो जाएगा माइनस कर लीजिए 1950 और बटा कितना 195 195 दहम्मा कितना हो जाएगा 1950 और ये आपका क्या आ गया 10 यही आपका क्या है दोस्तों परम सत्य आंसर है यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे ठीक है दोस्तों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों और इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर अरिहंत की बुक से और कंप्लीट करवा दिए हैं अगर आपने अभी तक उन चैप्टर को भी नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से देख सकते हैं और दोस्तों मैं आपको अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद।